अयोध्या सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हुंकार भरी। समाजवादी पार्टी ने जन समस्याओं को लेकर अयोध्या जनपद के सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में एक दिवसीय धरने प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश योगी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं आने वाले 2022 के चुनाव में प्रदेश की जनता योगी सरकार को कुर्सी से हटाकर अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश के जनमानस को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। सपा के नेता जनमानस को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेताओं के जन समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को राज्यपाल को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर सौंपा ज्ञापन। योगी आदित्यनाथ की जुल्मी अत्याचारी सरकार के खिलाफ आज सदर तहसील अयोध्या फैजाबाद में विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में माताएं, बहनें, नौजवान सारे लोग सम्मिलित हुए। आज फैजाबाद अयोध्या में हाउस टैक्स बढ़ गया है, बिजली की दरें बढ़ गई हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जुल्म अत्याचार हो रहा है और इतिहास में पहली बार देखा गया कि हत्या कर बलात्कार करने वाला, बहन बेटियों के साथ साजिश करने वाला अस्पताल के वातानुकूलित कीलित कमरे में है और जो बेटी है वो जेल में है। ये योगी सरकार का चरित्र दर्शा रहा है। आज पूरा उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन किया है। आज यहाँ पर आए हुए हजारों हजार लोगों ने इस बात का संकल्प लिया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को 22 में हटाकर श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस सरकार के अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जब तक इस सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जेल जाएंगे, आंदोलन करेंगे और उत्तर प्रदेश के जनमानस को न्याय दिलाने का काम करेंगे।